प्रिय विद्यार्थियों सुप्रभात। ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनर्जी ऊर्जा। तो एनर्जी ऊर्जा क्या होती है उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि ऊर्जा क्या है। तो ऊर्जा एनर्जी को यदि हम परिभाषित करें तो क्या है, किसी के कार्य करने की जो क्षमता है उसे हम ऊर्जा कहते हैं। यानी कोई व्यक्ति के अंदर जो कार्य करने की उसकी क्षमता है उसको हम ऊर्जा कहते हैं। तो जो ऊर्जा है उसमें जैसे हम उदाहरण ले सकते हैं, यदि हम क्लासरूम में इसको डिस्कस करें तो ऐसे कर सकते हैं कि दो व्यक्ति और दो बच्चों को हम ले लें और कोई कार्य करने को दे दें तो बच्चे या तो एक साथ कर देंगे, इसका मतलब उनके अंदर जो ऊर्जा है वो कार्य करने की क्षमता है वो समान है, यानी सेम एनर्जी उनके पास है। और यदि वही बच्चे उस कार्य को करने में समानता नहीं दिखाते, एक बच्चा पहले का कर लेता है और दूसरा देर में कर पाता है, इसका मतलब उनके अंदर जो एनर्जी है वो अलग अलग है। यानी किसी व्यक्ति के कार्य करने की क्षमता, यानी किस दर से वो कार्य करता है, उसको ही हम क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। अब ऊर्जा कोई ऐसी चीज़ नहीं जो दिखाई देती हो, दिखाई नहीं देती, यानी उसको हम थोड़ा सा रियलाइज़ कर सकते हैं कि इस व्यक्ति में इतनी क्षमता है, इसको इतने दर से कार्य कर सकता है। तो हमारे जो ब्रह्मांड है उस पर वैसे भी कहते हैं कि ऊर्जा न तो उत्पन्न की जाती है और न नष्ट की जाती है, यानी संरक्षित रहती है। सिर्फ ऊर्जा का रूप बदलता है, यानी एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाती है। सभी जगह ऊर्जा है। मैं आपके सामने बोल रहा हूँ इसके लिए मुझे ऊर्जा की ज़रूरत है, मैं ऊर्जा है तभी बोल रहा हूँ। यदि मेरे अंदर ऊर्जा नहीं होगी तो मैं बिल्कुल भी नहीं बोल सकता। यानी कोई भी मानव या कोई भी जीव जंतु कोई कार्य करता है तो उसे ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। इसलिए कहा जाता है कि ज़्यादा बोलना भी हमारे लिए खतरनाक होता है, क्योंकि ज़्यादा बोलने से भी हमारे शरीर की एनर्जी डिस्ट्रॉय होती है। तो उसको बचाए रखने के लिए हमें उचित शब्द और उचित समय पर ही अपने शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। तो जो ऊर्जा है इसकी संरक्षण सिद्धांत है उसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। जैसे कोई पिंड ऊपर से गिरता है तो उसमें भी ऊर्जा है, बहते हुए पानी में भी ऊर्जा है, बहती हुई पवन में भी ऊर्जा है। और जैसे बहता हुआ पानी है, उस बहते हुए पानी को जैसे हम जानते हैं विद्युत का उत्पादन किया जाता है, जब बहते हुए पानी को टरबाइन को घुमाया जाता है तो उससे एनर्जी रिलीज होती है और उससे हम विद्युत का उत्पादन करते हैं। ऐसे ही पवन ऊर्जा है, हवा चलती है उसके माध्यम से हम पवन चक्कियों को घुमाते हैं और ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो हमारे पृथ्वी पर सूर्य है, सूर्य से जो विकिरण हमारी पृथ्वी पर आता है तो वो क्या है, ऊष्मीय ऊर्जा है। तो ऊर्जा के अलग अलग रूप हैं, अलग अलग रूपों में बदलती है। जनरली हम जो हमारी ऊर्जा है उसमें एक गतिज ऊर्जा है, यानी कोई पिंड ऊपर से गिर रहा है तो उसके अंदर जो एनर्जी है उसको हम काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा के रूप में जानते हैं। गतिज ऊर्जा ई के काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वेयर, हाफ एम वी स्क्वेयर, जहाँ पर एम और वी, एम मास है और वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ द गिवन पार्टिकल। और दूसरी यदि कोई जैसे स्प्रिंग को हम खींचते हैं, स्प्रिंग को खींचकर छोड़ते हैं तो उसके अंदर जो एनर्जी होती है उसको हम स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं, इसको पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है, एम जी एच, एम क्या है मास है, जी क्या है ग्रेविटी और एच है उसकी हाइट। तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के बारे में 9th क्लास में शायद आपने पढ़ा होगा, 9th क्लास में टॉपिक दिया है कि कोई भी पिंड जब ऊपर से नीचे गिरता है तो प्रत्येक बिंदु पर उसकी जो ऊर्जा है वो संरक्षित रहती है। यानी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों का जो योग है वो एक कॉन्स्टेंट राशि होती है। जैसे मैक्सिमम बिंदु पर जब कोई वस्तु होगी, कोई पिंड होगा, तो वहाँ पर उसकी जो हाइट है वो मैक्सिमम होगी, और चूँकि वो भ्रामावस्था में माना जाएगा, वहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी है वो ज़ीरो मानी जाएगी, इसलिए उसकी जो गतिज ऊर्जा है वो क्या हो जाएगी, ज़ीरो, हाफ एम वी स्क्वायर, वी की वैल्यू ज़ीरो रखेंगे तो ज़ीरो हो जाएगी। लेकिन वहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मैक्सिमम होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब जैसे जैसे वो पिंड नीचे आएगा उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, यानी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी
और उसकी हाइट है वो कम होती जाएगी, अर्थात उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी। लेकिन जहाँ जहाँ पर भी हम हर बिंदु पर उसके दोनों ऊर्जाओं का जब योग करेंगे तो हमें क्या होगा, एक कांस्टेंट राशि प्राप्त होगी। तो इसी को हम ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। ऊर्जा कभी ख़त्म नहीं होती, जैसे मैं बोल रहा हूँ मेरी जो ऊर्जा ख़त्म हो रही है वो साउंड के रूप में पर्यावरण में जा रही है और पर्यावरण में वो मिक्स हो रही है। तो हवा चलती है उससे, जैसे खिड़कियाँ फड़फड़ाने लगती हैं, आवाज़ें होती, तो वो भी क्या है, ऊर्जा है। तो ऊर्जा का जो रूपांतरण होता है सिर्फ, वो ख़त्म नहीं होती। अब हम ऊर्जाओं के प्रकार के बारे में जानते हैं। सबसे पहले देखिए यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है, जब कोई यंत्र चलाया जाता है तो उस यंत्र के द्वारा जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे या खर्च की जाती है उसे हम यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। और यांत्रिक ऊर्जा, जैसे हम साइकिल पर जा रहे हैं तो उसमें यांत्रिक ऊर्जा की ज़रूरत होगी। विद्युत का निर्माण किया जा रहा है तो बहते हुए पानी को जो गतिज ऊर्जा है उसको हम यांत्रिक ऊर्जा में बदलकर विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं। ऐसे ही अगली ऊर्जा है ऊष्मीय ऊर्जा। ऊष्मीय ऊर्जा क्या है, जो सूर्य है उससे हमें जो प्रकाश प्राप्त होता है उस प्रकाश से हम विद्युत का निर्माण करते हैं। जो सोलर पैनल होते हैं उसके द्वारा हम विद्युत का निर्माण करते हैं। अभी 2018 की बात है शायद, जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा प्लांट का उद्घाटन किया था और उनके साथ जो फ्रांस के राष्ट्रपति थे वो भी आए थे, उन्होंने उनके साथ वो उसका उद्घाटन किया था, जस्टिन ट्रूडो। तो जो हमारा देश है, हम एनर्जी, दो प्रकार की एनर्जी होती है, एक होती है परंपरागत और एक होती है नवीकरणीय ऊर्जा। तो परंपरागत जो ऊर्जा है वह हमारे वातावरण को बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रदूषित करती है। परंपरागत ऊर्जा से तात्पर्य यह है कि जो ऊर्जा के जिन स्रोतों को हम यूज कर रहे हैं वो धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, और इससे बहुत अधिक मात्रा में कार्बन उत्सर्जन होता है। जो कार्बन उत्सर्जन होता है वो हमारी पृथ्वी पर पर्यावरण को दूषित करता है। हमारे देश में एक शोध के अनुसार, एक रिपोर्ट के अनुसार बताया जाता है कि पूरे वर्ल्ड में 50 लाख व्यक्ति जो प्रदूषण है ईंधन जलाने से, उससे हर वर्ष मौत हो जाती है, और उनमें से तो आधे यानी 25 लाख लोगों की मौत चाइना और भारत में होती है, यानी उसमें से 12.5 लाख व्यक्ति हमारे देश में ही मर जाते हैं। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में नवीकरणीय ऊर्जा जो होती है उसका प्रयोग करना चाहिए। नवीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत विद्युत, सॉरी, ये जल ऊर्जा है, बहता हुआ जल है, इसमें कोई प्रदूषण नहीं होता। पवन ऊर्जा है, समुद्रों में जो ज्वार भाटा आता है उसका भी हम प्रयोग करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हमें ऐसी ऊर्जा का प्रयोग करना चाहिए जो ख़त्म भी नहीं होती और साथ में हमारे पर्यावरण को भी सुरक्षित रखती है। यांत्रिक ऊर्जा के बाद अब हम देखते हैं प्रकाश ऊर्जा के बारे में पढ़ा। प्रकाश ऊर्जा के बाद विद्युत ऊर्जा है। अभी हम जिक्र कर रहे थे कि बहता हुआ पानी होता है उससे या कोयले जलाकर हम विद्युत का निर्माण करते हैं। विद्युत ऊर्जा जो होती है वो एक वायर होती है, उस वायर में होकर एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाती है। जैसे पानी है, पानी को यदि हम साम्यावस्था में रखें तो पानी ना इधर जाएगा ना उधर जाएगा, लेकिन एक थोड़ा सा वेरिएशन कर दें तो बहने लगा। ऐसे ही जो सर्किट होता है विद्युत का, उसमें जो विभांतर होता है, विभांतर यानी उन दोनों में जब विभांतर होता है तभी जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो उसमें प्रवाहित होती है। और इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रवाहित होती है तो इलेक्ट्रॉन्स की गति उसके विपरीत होती है और उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और चुंबकीय क्षेत्र यानी वो भी क्या है, एक चुंबकीय ऊर्जा है। तो विद्युत ऊर्जा, जल ऊर्जा के बारे में हमने, जल ऊर्जा यानी जल के द्वारा। ऐसे ही नाभिकीय ऊर्जा होती है, जो परमाणु बम होते हैं उसके द्वारा, परमाणु बम के द्वारा हम जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र होते हैं पहाड़ों को तोड़ने के लिए परमाणु बम का उपयोग किया जाता है। जैसा कि आपने एक नाम सुना है नोबल अल्फ्रेड, उनके नाम पर नोबल पुरस्कार भी जाता है, जो हमारे वर्ल्ड का सबसे बड़ा पुरस्कार है जो अलग अलग क्षेत्रों में दिया जाता है, जैसे साहित्य के क्षेत्र में, रसायन शास्त्र के क्षेत्र में, भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में।
तो जो अल्फ्रेड नोबल थे उन्होंने डायनामाइट की खोज की थी, और उनका जो ट्रस्ट, उन्होंने एक ट्रस्ट बनाया था, उस ट्रस्ट की जो इंटरेस्ट होता है उसको हमारे हमारे पूरे वर्ल्ड में हर वर्ष नोबल पुरस्कार की घोषणा की जाती है, और उसमें से एक व्यक्ति को 7.5 अरब की राशि दी जाती है। यदि वो कई व्यक्ति होते हैं तो उनको अलग अलग, जो वहाँ की एकेडमी जो हैं अलग अलग, वो उनका डिसीजन करती है। तो हमारे जो ग्लोबल वार्मिंग है उसकी दृष्टि से हमें ऊर्जाओं का प्रयोग अपने पर्यावरण की दृष्टि से करना चाहिए। तो उसमें क्या होता है, हमारे जो नाभिकीय ऊर्जा में नाभिक का सलयन या विखंडन होता है, और उस सलयन और विखंडन से अपार मात्रा में एनर्जी प्राप्त होती है। तो ऐसे ही हम पेशी एनर्जी भी होती है, जब हम कोई कार्य अपने शरीर के द्वारा करते हैं तो वो पेशी एनर्जी के अंतर्गत आता है। ऊर्जाओं के बहुत सारे प्रकार हैं, नाभिकीय ऊर्जा थी वो रासायनिक ऊर्जा में। अब कई बार इस प्रकार से पूछा जाता है कि ये प्रक्रिया हुई तो यहाँ पर किस एनर्जी को किस एनर्जी में कन्वर्ट किया गया है, ऐसे प्रश्न जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं कई बार उनमें पूछा जाता है। जैसे जब हम जनरेटर से विद्युत का उत्पादन करते हैं तो जो यांत्रिक ऊर्जा है उसको विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है, और यदि हम किसी जो हमारे सेल्स होते हैं, जो बैटरी होती हैं, उन बैटरी को जब चार्ज करते हैं तो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है, और जब फिर उसको इन्वर्टर के द्वारा हम हमारे जो उपकरण हैं इलेक्ट्रिक उपकरण उनको चलाते हैं तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। ऐसे ही सूर्य की ऊष्मा जो हमारे जो सोलर पैनल होते हैं उस पर डाली जाती है, ऊष्मीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है, और फिर वो जब बैटरी को उसी से चार्ज करते हैं तो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। यानी जो ऊर्जाएँ हैं वो एक रूप से दूसरे रूप में बदलती हैं, उनका कभी भी ख़त्म नहीं होती, हमारे ब्रह्मांड में वो उपस्थित रहती हैं। हमारी पृथ्वी पर ऊर्जा नहीं होगी तो हमारी पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है। चाहे वो जिस प्रकार से किसी वाहन को चलाने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, वैसे ही हमारे शरीर को चलाने के लिए भी एनर्जी की ज़रूरत होती है, और उस एनर्जी को हम फ्यूल के रूप में, भोजन जो लेते हैं वह फ्यूल का काम करता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने जो हमारी ऊर्जा थी, अब थोड़ा सा ऊर्जा है उसका मात्रक जानते हैं। ऊर्जा का मात्रक है वो क्या है, जूल है। और कई बार ऐसा भी पूछा जाता है कि ये मात्रक जूल किसका है, या कोई दो राशियाँ दी हूँ तो दो राशियाँ कार्य और ऊर्जा, क्योंकि कार्य करने की एक क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं, तो इन दोनों की जो मात्रक है वो भी क्या है, जूल ही है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने ऊर्जा के बारे में कुछ थोड़ी सी जानकारी प्राप्त की, आशा करता हूँ आपने अच्छे से समझा होगा। आगे हम इसी हमारी जो साइंस है उसमें और अगला टॉपिक करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।